नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर है लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के अध्यक्ष हैं और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर, जिस वजह से लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल होते इस वीडियो के पीछे की वजह ये है कि लालू प्रसाद यादव ने बेहद भावुक अंदाज में अपनी बेटी को शुक्रिया अदा किया है। इस वजह से क्योंकि रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी थी। जब रोहिणी आचार्य ने यह फैसला किया था यानी कि दिसंबर 2022 में, तब भी इस खबर की काफ़ी चर्चा हुई थी। एक बाप और बेटी के रिश्ते की जो एक नई मिसाल हो सकती है उसकी चर्चा हुई थी, क्योंकि बाप और बेटी का रिश्ता वैसे ही अपने आप में काफ़ी खास होता है। और इस खास रिश्ते के पीछे की ही शायद वजह थी कि तब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य के इस किडनी वाली खबर को लेकर एक ट्वीट किया था, और ट्वीट करते हुए बेहद भावुक पोस्ट उन्होंने भी लिखा था। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो आरजेडी और बीजेपी के दोनों के जो संबंध हैं वो एक सिक्के के या कहें एक नदी के दो किनारों की तरह फिलहाल हैं। तब गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा था, बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाले पीढ़ियों के लिए। और साथ ही फोटो जो है उन्होंने ट्वीट की थी जिसमें रोहिणी आचार्य एक हॉस्पिटल के बेड पर हैं, संभवतः किडनी ट्रांसप्लांट करते वक्त का शायद ये फोटो रहा होगा। तब इस फोटो को शेयर करते हुए गिरिराज सिंह ने बेहद भावुक बात लिखी थी। लेकिन अब शायद पहली बार लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये रिएक्शन आया है। सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लालू प्रसाद यादव भारत लौट आए हैं, और पूर्णिया में जो रैली हुई आरजेडी की या कहें महागठबंधन की, उस रैली से पहले लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों के सामने आए थे। और संभवतः इसी मौके पर उन्होंने अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने मुझे अपना जीवन दिया है और मैं उनका कर्ज जो है वो कभी उतार नहीं सकता हूँ। तो उनके शब्दों में आखिर लालू प्रसाद यादव ने खुद क्या कहा है, आप उनके शब्दों में खुद ही सुनिए। ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हमारी बेटी रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है, तो कुर्बानी उसने डोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है। हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल, जीवन डोनेट किया है क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम होता है जिसमें अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला लेना। हालांकि रिश्ता जरूर बाप बेटी का है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब रिश्तों की मर्यादा कई दफ़े हमने टूटते हुए भी देखी है, ऐसे में रोहिणी आचार्य का ये फैसला जो है अपने आप में एक नई मिसाल कायम करता है एक रिश्ते की गहराई को लेकर। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का ये भावुक मैसेज जो है, एक भावुक धन्यवाद अपनी बेटी के लिए, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है बड़ी बेबाकी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और शेयर करना चाहें इतना अच्छा वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।